हुकूमतों के खिलाफ आवाम का एहतजाज तो आप देखते होंगे, आपको दिखाते हैं हुकूमती रुकन कौमी असेंबली का पार्लियामेंट हाउस में अनोखा एहतजाज, जो ट्रैफिक पुलिस के हाथों बड़े मसले का शिकार हुए। अजहर फारूक की रिपोर्ट। मैं निकला वो गड्डी लेके और रस्ते पर वो सड़क में एक मोड़ लाया। सच कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, और कुछ ऐसा ही बुरा वक्त अचानक आया पार्लियामेंट हाउस में तैनात ट्रैफिक पुलिस वालों पर। जब ट्रैफिक पुलिस ने स्पीकर कौमी असेंबली की हदायत के मुताबिक गलत गाड़ी पार्क करने पर एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली हैदराबाद रिजवी की गाड़ी लिफ्टर के जरिए उठा ली। शायद किस्मत को ट्रैफिक पुलिस का मजीद इम्तिहान लेना मकसूद था, क्योंकि वाकये का इलम होने पर हैदराबाद रिजवी मौके पर पहुंच गए। भाई मुझे ये बताएं, आपने किस कानून के तहत उठाई है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कानून कौन सा है, किसका हुक्म है आपके बाद मुझे बताएं। फिर क्या था, एक जानब से तड़ियां तो दूसरी जानब कानून हुकूमती रुकन के सामने मुकम्मल बेबस नजर आया। देखो मैं नौकरी खा जाऊंगा तुम्हारी, खा मिला तो करिए। मुझे नोटिफिकेशन ला, मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस लोग मेरे जेल में रहते हैं। नोटिफिकेशन लाओ भाई, किधर है ये? किस्मत ने कानून को मजीद इम्तिहान में उस वक्त डाल दिया जब लिफ्टर की खराबी के बायस गाड़ी को नीचे उतारना मसला बन गया और ट्रैफिक पुलिस की दौड़े लग गई। तरुण सर की आपकी सहूलत की? ये मेरी सहूलत, ये सहूलत की आपने मेरे भाई? मुझे नहीं पता, मुझे नोटिफिकेशन दिखाएं, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ये लिफ्टर भी क्या जिदी था कि जिसने हैदराबाद रिजवी की जिद में लाख कोशिशों के बावजूद ठीक होने का नाम नहीं लिया। मजबूरन ट्रैफिक पुलिस को दूसरा लिफ्टर मंगवाकर हैदराबाद रिजवी से जान खलासी कराना पड़ी। ये तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जयकाम शिखर का एरिया में आया है तू, ये पार्लियामेंट है। अजहर फारूक, एआरवाई न्यूज, इस्लामाबाद।